अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने ग्रेविटेशन में दो लॉज हमने डिस्कस किए थे, दैट वाज केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट्स लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, एंड सेकंड वाज लॉ ऑफ एरियाज। तो हमें रह गया था केपलर्स थर्ड लॉ, दैट्स लॉ ऑफ पीरियड्स। तो इसमें आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट्स आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। सो ये चीज़ हमें डिस्कस करना है। तो पहले मैं स्टेटमेंट पर आता हूँ, इसके बाद हम स्टेट एंड प्रूफ दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले मैं इसके स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये तो मैंने यू नो दैट पहला जो केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, इसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि एवरी प्लैनेट, इट स्टेट्स दैट दैट्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद सन एज इट्स वन फोकी। तो हमने इसमें कहा था कि दो फोक्स है, सन के दो फोक्स होते हैं। एक होता है फोक्स, लेट सपोज दिस इज F1, और यहाँ इस F1 पर मैं सन लूंगा और ये है F2। तो हर कोई जो प्लैनेट होता है तो वो इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में, पाथ में सन के रिवॉल्व राउंड करता है। लेट्स सपोज दिस इज प्लैनेट, दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो इसमें ये जो एक्स, ये अगर मैं सेंटर लूंगा तो ये यहाँ से ए तक सेमी मेजर एक्सिस, ओ से बी तक ये भी सेमी मेजर एक्सिस, दिस बी से सी तक सेमी माइनर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो टोटल मेजर एक्सिस आती है 2a और हाफ ऑफ मेजर एक्सिस आती है a। तो टोटल माइनर एक्सिस आती है 2b, तो हाफ ऑफ माइनर एक्सिस आती है b। जैसे कि x² / a² - y² / b² = 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सो वेयर a इज मेजर एक्सिस, b इज माइनर एक्सिस। सो लीव इट असाइड, व्हाट वी हैव टू डू नथिंग विद दिस इक्वेशन, but what we have to do here, so here we are going to discuss the Kepler's third law of planetary motion. To us third law, yahan par main minor jinhone Kepler's first law ya second law nahi padha hai, wo lecture number 1 jo gravitation ka hai us par jaye, wo already YouTube par present hai, gravitation lecture 1 hai naam uska, usko dekhe to tab to is cheez ko samajhne mein aasani ho sakti hai। तो यहां पर जो पहले हम टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड, यू हर यू नो एवरी मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सो सर्कुलर मोशन इज आल्सो पीरियोडिक मोशन, बिकॉज इन सर्कुलर मोशन पार्टिकल बाय फ्रॉम इट स्टार्ट्स, इट हैज टू रीच देयर एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट अ सेकंड साइकिल। सो मान लो कि एक प्लैनेट ये यहाँ पॉइंट पी से स्टार्ट किया, अब कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट पी पर फिर पहुंच जाएगा। अब इस प्लैनेट को यहाँ पॉइंट पी से फिर कितना टाइम लगेगा फिर से पॉइंट पी तक आने में, दैट्स कॉल्ड वन साइकिल। और उस वन साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय अ सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रोटेशन, टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड इट इज डिनोटेड बाय टी। सो व्हाट इज टाइम पीरियड, इट इज द टाइम टेकन बाय दिस एनी सर्कुलर मोशन, एनी पार्टिकल टू मूव, टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन, टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ सर्कुलर मोशन, और टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। सो दैट अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ दैट टाइम पीरियड इन प्लैनेटरी मोशन, स्क्वायर ऑफ दैट टाइम पीरियड is directly proportional to the cube of semi-major axis. You know, this is semi-major axis is a, so t square is directly proportional to a cube. This is the Kepler's third law of planetary motion, or this is Kepler's law of periods. So what does Kepler's law of period states? It states that the square of time period, जो time period है planet का around the sun, उसका जो स्क्वायर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। अब यहाँ पर अगर ये अर्थ है, अर्थ से पहले आता है वीनस से पहले मरकरी आता है, अगर मरकरी की इलिप्टिकल फॉर्म तो ऑर्बिट तो स्मॉल होगी, उसमें ए का वैल्यू जो होगा स्मॉल होगा, तो टाइम पीरियड भी कम लग जाएगा। तो मरकरी को एक चक्कर लगाने में कम टाइम पीरियड लगेगा क्योंकि इसका सेमी मेजर एक्सिस कम है।
तो जितना सेमी मेजर एक्सिस, जितना प्लैनेट सन से दूर घूमता है उस उतना इसको ज़्यादा लगेगा एक चक्कर लगाने में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दिस इज सो हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, सो मैं यहाँ पर आप यू नो डाउन द स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज T square is directly proportional to R cube या A cube, while here R is the semi-major axis. T square is directly proportional. This is the statement of Kepler's law of planetary motion. So आपको समझ आया होगा एक planet को sun के गिरत एक चक्कर लगाने में कितना time लगता है, उसको हम time period कहते हैं। उस time period का जो square है that is directly proportional to the cube of semi-major axis of that orbit, ठीक है ना। अब हम जो discuss, we have to prove this law, so we will prove this by considering the circular path, circular orbit. So elliptical path को prove करने में इस थोड़ा complex हो सकता है, लेकिन हम circular इसको वैसे prove इसका तो mention नहीं है syllabus में आपके कहीं पर, लेकिन फिर भी हम इसका proof यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको इजीली। वी विल कंसीडर सन, दिस प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। दिस इज प्लैनेट पी, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। सो कंसीडर द पाथ ऑफ दिस द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट सर्कुलर विद सन एट इट्स सेंटर। So like planet P is revolving around the sun. So we know that every circular motion, there must be centripetal force. Some force has to play the role of centripetal force, because circular motion is not possible without centripetal force. So for example, when an electron revolves around the nucleus, the nuclear force, the electrostatic force between electron and nucleus, that plays the role of centripetal force. That force is responsible for the rotational motion of electron around the nucleus. And why planet revolve around the sun, around a set orbit? Because of gravitational force. Gravitational force here plays the role of centripetal force. So ye jo planet hai, ye is sun ki girat ghoom raha hai, because of centripetal force. That centripetal force that is provided by the gravitational force, or in other words you can say here the gravitational force plays the role of centripetal force. So yahan par gravitational force is planet ko ghuma raha hai. Why moon is revolving around the earth? Because of gravitational force between moon and earth. And when we put a satellite, artificial satellite in the orbit, that is gravitational force between satellite and earth that makes it revolve around the earth. That force is sufficient to make it revolve around the earth. So अगर ये प्लैनेट इस सन के गिरत घूम रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। सो हियर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल जो प्ले करता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वी कैन से हियर इन द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यू नो दैट मीन्स एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इट्स रोल इज प्लेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। So here GMM divided by R square, where GMM divided by R, this is the gravitational force between planet and Earth, planet and Sun,
where m is the mass of sun and m is small m is the mass of planet. This m square r, this is the center, this is the centripetal force which makes this planet revolve around the sun. So this m and this m gets cancelled, this r and this one r gets cancelled. So v square is equal to g m divided by r. So this is here v. You know, v is the speed of this planet. Ye speed kis speed se ghum raha hai. This is the speed. You know, if you have to calculate the speed, that is distance divided by time. You know, for example, we have v is equal to distance. Distance, that is a planet yahan se start kar raha hai. Ab agar isko pura kya kya lagaya to kitni distance hui, 2 pi r ki circumference, that is 2 pi r. V is equal to 2 pi r divided by, और कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड टी लगा, तो v इज इक्वल टू पाई आर डिवाइड बाई टी. तो इसको सबस्टिट्यूट करो, 2 पाई आर डिवाइड बाई टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर. तो यहां पर हम ये 2 2s are 4 पाई स्क्वायर और ये आएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर. तो यहाँ इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम. तो जरा इसको रेसिप्रोकल करो, टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय जी एम. तो इसका अब हम यहां पर, तो टी स्क्वायर को हमें देखना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर 4 पाई आर स्क्वायर और ये r into r divided by gm. तो ये बन गया t square is equal to 4 pi square divided by gm into r cube. अब ये 4 is constant, pi is constant, g is constant, m is constant, इसके जगह k लिख सकते हैं. t square is equal to k times r cube, और t square is directly proportional to r cube. So this proves that square of time period is directly proportional to the cube of semi-major axis. So this is the Kepler's third law of planetary motion. तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो मैंने formula use की, v is equal to 2 pi r divided by t. और in other words, आप यहाँ पर ये जो v है ना, v की जगह r omega भी लगा सकते हैं. v is equal to r omega. तो ये बन जाता है v r square omega square is equal to gm divided by r. तो यहां पर मैंने small r दिया यहां पर, तो r cube यहीं पर बन जाता है, r cube is equal to gm divided by omega. Omega, you know, it's 2 pi by t. So r cube is equal to gm, omega is 2 pi divided by t, omega square ये बन जाता है, omega ये 2 2s are 4 pi square t square. तो r cube is equal to gm divided by 4 pi square t square. तो इस तरह भी ये निकल आता, अगर आप v is equal to r omega को यूज करके, इस तरह भी ये निकल आएगा. वैसे ये भी 2 pi by, तो v is equal to यहां पर 2 pi by t, that's r by r by nu. This is also 2 pi nu भी लिख सकते हो. That's very easy. You can either by this method or by this method, जो मैंने दिखाया, दोनों से easy हैं. तो this was about the Kepler's third law of planetary motion, that's law of periods. इसके बाद हमें आना है universal law of gravitation पर. Inshallah, that will be discussed in the next lecture. Stay connected and subscribe the channel and go for the, if you want to understand it in a good manner, then you have to watch the lectures of all the units from beginning, one by one, with the interest. If you have any doubt, any question, you can comment. Thank you.